ट्वीट एक ऐसा माध्यम है जो एक छोटे कैरेक्टर्स में किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और क्योंकि इंसान को या टीचर्स को बहुत चुन के कीवर्ड्स लाने होते हैं, क्योंकि 280 कैरेक्टर्स हैं तो चुन के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ट्विटर का नाम तो आपने इन दिनों में खूब सुना होगा और जिसकी उपयोगिता से पूरा विश्व भर वाकिफ है। कम शब्दों में सारगर्भित बात कहने एवं अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय माध्यम आज ट्विटर बना हुआ है। प्रायः ट्विटर का प्रयोग अधिकतर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को लेकर होते हुए देखा है, लेकिन जब एक शिक्षक इसे टीचर प्रोफेशनल नेटवर्क के रूप में करता है तो ये अपने आप में एक अनूठी पहल हो जाती है। तो आइए मिलते हैं कौशल सर से, जिन्होंने ट्विटर का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को समर्थ बनाने एवं टीचर प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में किया है, जहां 5 से 6 सवालों पर देश विदेश के शिक्षक साथी अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। नमस्ते कौशल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सुरेश जी, नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सर, अभी आप डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं, और सबसे पहले हम आपके परिचय करवा देते हैं सभी हमारे साथियों से, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा सर। जी, मेरा नाम कौशल सेन है और मैं दिल्ली के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में TGT मैथ्स के पद पे कार्यरत हूँ, और इसके साथ ही लॉकडाउन में मैंने कुछ नवविचार प्रयास करने का कोशिश किया है, तो आज उन्हीं सब की बात करने के लिए मैं डिजिटल टीचर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आएगी। जी सर, जरूर। आपने कुछ अलग तरीके से आप सोचा है और एक अलग डिफरेंट टाइप का इनिशिएटिव लिया है कि कैसे एजुकेटर्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और किसी एजेंडे को लेके वो सीरियसली डिस्कस कर पाए, और उसमें जहां तक मुझे समझ में आया, आपने मतलब एक और ट्विस्ट है आपकी इस पूरी कहानी में कि अनलिमिटेड शब्दों के साथ आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट पे अवेलेबल, लेकिन कैसे क्रिस्प में चीजें आए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने एजुकेटर्स के लिए किस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो मेरा जो नव विचार है, जिसको मैंने लॉकडाउन में ही उसको उठाया है, वो है ट्वीट चैट। तो ट्वीट चैट्स, मैं अलग अलग देशों के ट्वीट चैट्स में पार्टिसिपेट करता था, और उसमें एक तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी डेवलप होती है और राइटिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, क्योंकि ट्विटर आपको 280 कैरेक्टर्स के अंदर ही लिखने का मौका देता है। तो जब मैंने ट्वीट चैट्स को देखा, एजुकेटर्स जहां अलग अलग डिस्कशंस करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ को डालते थे, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और मैंने ये देखा कि इंडिया का ऐसा कहीं पर कोई डेडिकेटेड पेज नहीं है। तो मेरा यही मान था कि इंडिया के एजुकेटर्स एक साथ जब आएंगे, अपनी क्लासरूम की पेडागॉजीज को शेयर करेंगे, तो उससे हम सभी एजुकेटर्स को फ़ायदा मिलेगा। हर एजुकेटर किसी ना किसी विषय पे एक्सपर्ट होता है, तो मेरा यही मकसद था कि मैं अलग अलग एजुकेटर्स को बुलाऊं, वो अपना एक्सपर्टाइज शेयर करें और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जितने भी नए एज टीचर्स हैं या जो पुराने टीचर्स हैं जो कुछ नया सोचना चाहते हैं या कुछ अपनी क्लासरूम में नया लेकर आना चाहते हैं, वो इन ट्वीट चैट्स के माध्यम से अपनी क्लासरूम में लेकर जाए और अपनी क्लासरूम को और भी ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाए। तो उसमें सर एक चीज़ तो आपने अभी शेयर किया कि पेडागोजी से रिलेटेड, तो एक तो अपन बिंदु मान सकते हैं आपकी ट्वीट चैट का पेडागोजी एक पार्ट है, इसके अलावा कौन कौन से और एंगल जो आपने सोचे कि इस ट्वीट चैट के माध्यम से एजुकेटर समझ पाए और अपनी कक्षा तक उन चीजों को लेके जाए। जैसा कि हमने विदेशों के टीचर्स पे देखा है या विदेशों की कक्षाओं में देखा है, वहाँ क्लासरूम साइज जो है वो छोटा होता है, और टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने के अलावा और भी कई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बुक्स ऑथर करते हैं, वो सेशंस लेते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो भी एक सिलेक्टेड सेट ऑफ टीचर्स के साथ हो रहा था। तो ट्वीट चैट के माध्यम से जब मैंने ट्वीट चैट को शुरुआत करा, तो इससे टीचर्स को अपनी एक ब्रांड बिल्डिंग करने में एक
फ़ायदा मिला, क्योंकि जब कोई टीचर आ रहा है या कोई टीचर मॉडरेटर बन के आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी एक प्रमोशन हो रही है और वो टीचर अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पा रहा है। तो एक तो ये है कि ब्रांड बिल्डिंग टीचर्स की हुई, उसके साथ साथ मेरी खुद की अपनी पेडागॉजी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। मुझे कई सेशंस लेने का मौका मिला, मुझे कई एजुकेटर्स के साथ बात करने का मौका मिला और यही इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि इसको टाइम बाउंड करके एनहांस कर देता है और आपका एक इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्विटर में छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। तो किस तरह हम किसी विषय को इंटरेस्टिंग बनाएं टीचर्स के लिए ताकि वो उस टॉपिक को पढ़े, रीड करें, रिसर्च करें और फिर अपनी क्लासरूम में लेके जाए। इसको सर थोड़ा सा हम इस तरफ से समझना चाह रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है इसमें लोग वॉलेंटियरी जुड़ रहे हैं या फिर किस तरीके से ये जो संदेश है ये लोगों तक जाता है कि भाई उस दिन को इस तरीके की कॉन्फ्रेंस हम ट्विटर पे कर रहे हैं या फिर इस तरीके का ट्वीट पे बातचीत होने वाली है, तो वो शुरुआत किस तरीके से होती है और कैसे लोग उसमें जुड़ते हैं? तो इसका शुरुआत जो है वो हम एक पोस्टर लॉन्च करते हैं जो कि उस ट्वीट चैट के बारे में बताता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हम एक पोस्टर लॉन्च करते हैं मॉडरेटर का। उससे पहले भी अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो मैं अपने एजुकेशनल नेटवर्क में, जिसको कि हम PLN कहते हैं, जो कि प्रोफेशनल लर्निंग नेटवर्क है, जो कि मेरा डेवलप हुआ ट्विटर के माध्यम से और DMs के थ्रू हम लोग ट्विटर पे बात करते हैं, तो मैं एजुकेटर्स को अप्रोच करता हूँ कि आज के दिन हमारा एक ट्वीट चैट है तो क्या आप इसमें मॉडरेट करेंगे। तो उनकी तरफ से अगर जवाब हाँ में आता है तो हम उसके बाद एक उनका पोस्टर बनाते हैं और उसको ट्विटर पे डालते हैं। इसके साथ साथ हम लोग टैगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। टैगिंग से ये हो जाता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ आज के पर्टिकुलर इतने बजे एक ट्वीट चैट होने वाला है। तो जब टैगिंग हो गया और जब शेड्यूल्ड डेट है उस दिन मॉडरेटर अपने हैंडल से उन क्वेश्चंस को पोस्ट करता है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं जो भी ज्वाइन करते हैं उस समय वो उन क्वेश्चंस पे कमेंट करते हैं और इस तरीके से डिस्कशन आगे बढ़ता है। और इसको सम अप करते हुए एक टोटल 4 क्वेश्चंस का प्रोसेस होता है। हर क्वेश्चन को मॉडरेटर सम अप करता है, फिर दूसरा क्वेश्चन और इसी तरह लास्ट क्वेश्चन को सम अप करके थैंक यू करके हम उनको अगले ट्वीट चैट की जानकारी दे देते हैं कि अगला जो ट्वीट चैट है वो इस पर्टिकुलर दिन शेड्यूल्ड है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो सर कोई एक लाइव एग्जांपल आप शेयर करेंगे इसके बारे में कि मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है और उसके ऊपर किस तरीके के सवाल हुए और किस तरीके का डिस्कशन निकल के आया, कोई ब्रीफ में मतलब? तो अभी हाल ही में हमारा भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पारित किया है, तो हमने 15 अगस्त को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक चार्ट रखा था जिसमें इंडिया से डॉक्टर आशीष मित्तल हैं जो इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं और हमारे साथ एक और दुबई से मैम जुड़ी अभिलाषा सिंह जो कि प्रिंसिपल है शाइनिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल की। तो इन दोनों ने मिलके इस ट्वीट चैट को मॉडरेट किया। तो जैसे कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं मल्टीलिंग्विज्म को लेके, SDGs को लेके या लोकल आर्टिशंस को क्लासरूम में लेकर आने की जो बात कही गई है उन सब के ऊपर हमने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएँ ली। तो कुछ लोगों ने इसको सही माना, कुछ लोगों ने इस पर कुछ चेंजेस सजेस्ट करे। तो इससे एक ये फ़ायदा मुझे जो पर्सनली हुआ कि मुझे डाइवर्स ओपिनियंस मिले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। हम किसी चीज़ को रीड करते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जब हम किसी डिस्कशन फोरम में बैठते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो हमें सोचने पे अलग अलग सोचने का एंगल देते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब हमने ट्वीट चैट में रखा तो मेरे लिए मुझे खुद बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले जो कि मुझे एनहांस करता है मेरी अपनी क्लासरूम पेडागॉजी को। सर एक चीज़ तो ये समझ में आई है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना जी, लेकिन ये तो मतलब ट्वीट ही आपने क्यों चुना? इसके लिए तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो बाकी लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी लोग यूज कर रहे हैं, तो आपने ट्वीट चुना इसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने ट्वीट इसलिए चुना, एक तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इट इज़
अ वेरी लिमिटेड कैरेक्टर्स वाला प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हैं तो वो आप काफ़ी लंबा पोस्ट कर देते हैं, और एज एजुकेटर्स हमारे पास कभी कभी उतना समय नहीं हो पाता कि हम उतने लंबे लंबे पोस्ट को पढ़ें। यूट्यूब पे भी यही प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे सेल्फ हेल्प वीडियोस बहुत सारे हैं, बट वही बात हो जाती है कि वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अनटिल एंड अनलेस हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, हम यूट्यूब पे नहीं जाते। तो ट्वीट एक ऐसा माध्यम है जो एक छोटे कैरेक्टर्स में किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और क्योंकि इंसान को या टीचर्स को बहुत चुन के कीवर्ड्स लाने होते हैं, क्योंकि 280 कैरेक्टर्स हैं तो चुन के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो जब कोई टेक्स्ट इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में तो टीचर्स डेफिनेटली उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करेंगे और उस तरीके से उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। बट एटलीस्ट ये तो है कि हम एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग फॉर्म में लोगों तक प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की ले और फिर उस पर रिसर्च करके उनको जैसा भी एक्टिविटी बनाना है या जैसा भी अपने क्लासरूम में लेके जाना है वो लेके जा सकते हैं। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है सर, और इस पे ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े आप किसी भी ट्वीट के ऊपर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको लिमिटेड वर्डों में आंसर देना है तो आपको बारीकी से हर एक चीज पढ़ के और उसकी समरी तैयार करनी होगी। तो वो एज एजुकेटर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि लोगों के पास आज के दिन बहुत कम समय होता है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां से अगर क्रिस्प में कुछ चीजें मिल जाती है तो डेफिनेटली वो हमारे क्लासरूम में या फिर हमारे डिस्कशन में काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अचानक से कोई ट्वीट अगर हम देखेंगे तो अचानक से हमारे पास उतना कॉन्टेंट या कुछ भी नहीं क्रिएट होता, तो मैं क्या करता हूँ जब हमारा 24 आवर्स टू रह जाता है ट्वीट चैट का, तो मैं एक सब्सिक्वेंट ट्वीट्स डालता हूँ, 24 आवर्स टू गो, 18 आवर्स टू गो, 12 आवर्स टू गो, एंड जब 6 आवर्स टू गो होता है तब मैं वहाँ पे क्वेश्चंस का एक जिफ बना के डाल देता हूँ, ताकि जितने भी एडुकेटर्स जुड़े उनके पास एटलीस्ट पहले से कुछ रीडिंग मटेरियल आ जाए, वो थोड़ा सा रिसर्च कर ले, ताकि जब ट्वीट चैट का टाइम हो तो वो अपने आर्टिकल्स, रिसोर्सेस, पिक्चर्स, इमेजेस जो भी हैं वो उस समय तरीके से शेयर आउट कर सकें। काफी डिफरेंट तरीके का इनिशिएटिव। तो सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके, कैसे सोचते हैं आप इसके बारे में? इसका जो फ्यूचर प्लान है उसको तो हम विजुअलाइज इस तरीके से करते हैं, वेबिनार्स के फॉर्म में या वीडियो इंटरैक्शंस के फॉर्म में। लॉकडाउन के तहत ही जब मैंने ट्वीट चैट्स का शुरुआत किया तो उसी दौरान मेरी टीचर एक कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड एडटेक कंपनी है, और इसके जो सीईओ है वरुण, उनका मेरे साथ ट्विटर पे चैट होता है, और वो भी एक पैशनेट तरीके से एजुकेटर्स की मदद करना चाहते हैं। तो मैंने और उन्होंने कोलैबोरेशन में एडुकेटर्स को इनवाइट किया कि वो आए और अपनी बात को वीडियो फॉर्म में लोगों तक पहुंचाए। तो हमने नो लॉकडाउन फॉर लर्निंग करके 2 वेबिनार के सेशंस चलाए, उसके बाद हमने सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज या टूल वाइज हमने स्पेसिफिक वेबिनार्स किए, और ये सिलसिला चल ही रहा है। तो अब मेरा जो और का आगे का जो फ्यूचर प्लान है जिसको मैं विजुलाइज करता हूँ कि ट्वीट चैट को और ज़्यादा प्रमोट करना और ये एजुकेटर्स तक ले जाना और एजुकेटर्स से ये रिक्वेस्ट करना कि वो आके डिस्कशन करें, क्योंकि वर्चुअल डिस्कशन में जब हम किसी टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन करते हैं तो वहाँ बायस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिसको हम कभी सुन रहे हैं तो वहाँ एक ऑटोमेटिकली बायस हो जाता है, ओके दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दिस बिलोंगिंग, या जो भी एक पर्टिकुलर बायसनेस आ जाता है। पर जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो वो हम खुद ही खुद में रीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ बायस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जहाँ हम खुद ही रीड करके अपने आप को कई सारे पर्सपेक्टिव्स देते हैं। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि अब इसको सब्जेक्ट वाइज इसको थोड़ा सा एनहांस करा जाए, थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए, या टीचर्स के जो जनरल से ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर ट्वीट चैट्स करके उन एजुकेटर्स को हेल्प किया जा सके। और साथ ही साथ ये भी है कि और भी ज़्यादा वीडियोस बनाए जाए, और भी ज़्यादा वेबिनार्स किए जा सके, ताकि टीचर्स ट्वीट के माध्यम से भी और वीडियोस के माध्यम से भी अपने आप को और ज़्यादा प्रोफेशनली एनहांस कर सकें। तो कितने लोग सर अभी तक जुड़ गए हैं इस ट्वीट में आपके साथ? तो अगर मैं अपने पेज के फॉलोअर्स की बात करूं तो तकरीबन 900
तकरीबन 920-930 ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं, बट जब हम लोग ट्वीट चैट करते हैं तो मेरे कुछ डेडिकेटेड टीचर्स फ्रेंड्स हैं जो हर ट्वीट चैट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो तकरीबन आपके 10 से 15 लोग होते हैं जो आपके ट्वीट चैट पे आते हैं, कमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो 10 से 15 लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में उतने सारे ट्वीट्स को पढ़ना भी एक मुश्किलात हो जाती है। तो धीरे धीरे जब हम देखेंगे कि लोग बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम इस ट्वीट चैट का टाइम ड्यूरेशन जो है अभी 30 मिनट है, इसको आगे चल के कभी बढ़ाएंगे, बट चूँकि ये छोटे कैरेक्टर्स हैं और इसको टाइम बाउंड ही करना होता है तो 10 से 15 लोग ही आते हैं और वो अपने अपने व्यूज रखते हैं, उससे आपको एक कम से कम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो मिल ही जाता है। सर, लॉकडाउन के इनिशिएटिव को देखें तो एक इनिशिएटिव आपका काफ़ी पॉपुलर रहा है, प्रोफेशनल लर्निंग नेटवर्क जो आपने बनाने का प्रयास किया है, काफ़ी शानदार इनिशिएटिव है। इसके अलावा सर, आप टेक्नोलॉजी को अपनी कक्षा कक्ष में किस तरीके से देखते हैं, उस पर भी आपका कुछ अनुभव है तो आप बिल्कुल शेयर करिएगा। तो सुरेश जी, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रोफेशनल लर्निंग नेटवर्क मेरा डेवलप हुआ, उससे मुझे उनकी क्लासरूम में जो भी चीज़ें हो रही है उसका एक ग्लिम्स मिला। जैसे बहुत सारे मैथ के एजुकेटर्स जो हैं वो क्विजेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मैथ के एजुकेटर्स हैं जो जियो जेब्रा का इस्तेमाल करते हैं या मैथ को विजुअलाइज करके अपनी क्लासरूम में लेकर आने का प्रयास करते हैं। लॉकडाउन में एक ये फ़ायदा हुआ कि हम विजुअल लर्नर्स को बहुत ज़्यादा केटर कर पाए, साथ ही साथ ऑडिटरी लर्नर्स को भी। तो विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा किया, जैसे क्विजेस है, पावर पॉइंट है, यूट्यूब है, अडोबी स्पार्क है। अडोबी स्पार्क पे मैंने स्टोरीज बना के बच्चों तक ले जाने का प्रयास किया, या मैंने वेब पेज बनाया, ऑनलाइन ट्रेजर हंट्स बनाए जिसको मैं क्लासरूम में लेके गया। उससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हमने स्पेस का सही तरीके से इस्तेमाल किया, घर ही में बच्चों ने एक अलग तरीके का अनुभव अपने आप में महसूस किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे ट्विटर के माध्यम से ही मिले, तो अगर मैं ट्वीट चैट्स नहीं करता तो मैं लोगों से नहीं मिलता या उनकी क्लासरूम में झांकने का मौका मुझे नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लासरूम में किया। जैसे कि अभी मैं बताऊँ, रिसेंट के एक मेरा एक्टिविटी था जिसमें मैंने गूगल अर्थ के साथ मैथ्स को जोड़ के क्लासरूम में लेके गया। तो गूगल अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कस्टमाइज्ड मैप तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे इंटीजर्स पढ़ाना है तो इंडिया जैसे कंट्री में हमें डाइवर्स टेम्परेचर्स मिलते हैं, नॉर्थ में हमें नेगेटिव टेम्परेचर यानी ठंड मिलती है और साउथ में हमें पॉजिटिव टेम्परेचर यानी गर्मी का मौसम मिलता है। तो मैंने गूगल अर्थ पे अलग अलग जगह पे पिन्स कर दिए, नॉर्थ में पिन किया, साउथ में पिन किया, वेस्ट में पिन किया और ईस्ट में पिन किया। अब मैंने उस मैप को अपने स्टूडेंट्स को दिया और मैंने कहा एक्सप्लोर करो और चेक करो कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर्स हैं और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर्स हैं। तो उस तरीके से बच्चों ने विजुअलाइज़ किया और सच में देखा कि इंटीजर्स का रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल है। इसके साथ ही अब लोग अगर हम क्लास सिक्स की बात करें, वहाँ हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मैंने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को पिन कर दिया, जैसे कुतुब मीनार है, विक्टोरिया मेमोरियल है, चार मीनार है और हवा महल है। तो इनकी अपनी अपनी हाइट्स है जो कि मीटर में है, बट अगर मुझे कन्वर्जन सिखाना है बच्चों को सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, तो मैं क्लासरूम में भी नॉर्मल फार्मूला लिख के मैंने करा दिया, बट जब मैं उस पर एक विजुअलाइजेशन का इफेक्ट डालता हूँ तो वहाँ वो बच्चों के लिए एक वाव फैक्टर आ जाता है। तो उस तरीके से मैंने ट्विटर्स पे अलग अलग टीचर्स की क्लासरूम को झांका और उसके झांकने के बाद मैंने उस एक्टिविटी को तोड़ मरोड़ के अपने क्लासरूम में अपने बच्चों की नीड्स के तौर पर उसका इस्तेमाल किया। तो सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे आपने मैम का जिक्र किया और मुझे डिजिटल टीचर की कहानी जो कि टेक्नोशाला द्वारा प्रायोजित है, इस पे भी मौका मुझे लगता है संगीता मैम की वजह से ही मिला, क्योंकि हम एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया था, तो उसी में मुझे लगता है कि मैंने उनका वीडियो देखा और उस पे लिंक था कि हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो मैंने उसी के माध्यम से ही आपसे जुड़े। तो मुझे लगता है संगीता मैम का भी यहाँ पर रोल है, जहाँ पे मैं उनका वीडियो देख के मैंने अपने आप, मुझे लगा कि मुझे शायद अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए और ये बताना चाहिए एजुकेटर्स को कि अगर वो जुड़ते हैं अलग अलग एजुकेटर्स के साथ तो डेफिनेटली उनकी क्लासरूम और ज़्यादा एनहांस होती है। तो सर, ये हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल टीचर की कहानी, ये भी पूरा वॉलेंटियर ही चल रहा है,
लोग अपनी इच्छा से आते हैं, अपने आप को नॉमिनेट करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे हम बातचीत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातचीत जो है, जो टीचर्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और एक तरीके से प्रेरणा मिले और दूसरी तरीके से जो काम हो रहा है एक्चुअल में उसको दूसरे लोग भी अपनी कक्षा में इम्प्लीमेंट करें। तो सर आप किसको नॉमिनेट करना चाहोगे अगले एपिसोड के लिए? मुझे लगता है कि मैं सुमेधा सोडी जो कि अल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में SST पढ़ाती हैं उनको नॉमिनेट करना चाहूँगा कि लोग देखें कि SST जो कि काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है बट SST को किस तरीके से और ज़्यादा वो कलरफुल बना रही है और इंटरेक्टिव बना रही है, तो मैं उनको नॉमिनेट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, तो हम तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए और वो भी तैयार हो जाएं जैसे ही हमारी आवाज सुन रही है और जल्दी हम उनसे मिलने वाले हैं। तो आज हमने कौशल सर से शिक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को समझा। अभी चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।